हे गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू वी मार्ट्स। इस वाली वीडियो में मेरे पास है आईफोन 7, हम सबका फेवरेट एंड आपका फेवरेट आईफोन 7। इस वाली वीडियो में हम इस फोन में गेमिंग रिव्यू करेंगे। 2016 का फोन है, 2023 में लेना वर्थ है या नहीं, मतलब टोटल 6 साल हुए इस फोन को। बहुत ही पुराना आईफोन 7 है एंड मेरा पहला आईफोन है। काफी सारे लोगों को पता होगा, जो न्यू व्यूवर्स है उनको नहीं पता होगा, जो मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा आईफोन 7 मेरा पहला आईफोन है। एंड इस आईफोन 7 पर ऑलमोस्ट सारे वीडियो हमारे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने सारे टॉपिक कवर किए लिटरली, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वाली वीडियो में हम इस आईफोन 7 में ऑन डिमांड BGMI की टेस्टिंग करेंगे एंड बैटरी कितना ड्रेन होता है वो आपके साथ शेयर करूंगा, फोन कितना हीट होता है वो आपके साथ शेयर करूंगा एंड इस फोन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ एंड आप भी टाइम वेस्ट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले फ़ोन का कंडीशन देख लो आप, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, स्क्रैचेस नहीं है इस फ़ोन में एंड बहुत ही सही फ़ोन है। मैट ब्लैक कलर आईफोन 7 एंड ये है 128 GB एंड आप देख सकते हो जो सॉफ्टवेयर वर्जन है 15.7.2 सैडली ये लास्ट अपडेट है आईफोन 7 का, इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया आईफोन 7 में एप्पल की तरफ से, क्योंकि इसमें 5-6 साल तो हो गए अप्रॉक्स एंड 128 GB में से अप्रॉक्स 100 GB अवेलेबल है, तो स्पेस तो भाई बहुत भर भर के खाली है, मतलब 100 GB खाली है। एंड फास्ट वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट है, बैकग्राउंड से सारे एप्लीकेशन किल कर दिए एंड मोबाइल डेटा भी ऑन है आप देख सकते हो एंड बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बहुत ही पुराना प्रोसेसर देखने मिलता है एप्पल का, A10 फ्यूजन चिप एंड फ्रंट में टेम्परेचर आप देख सकते हो 30°C 29 एंड बैक में 30, 29 एंड 31, मतलब 30, 31 टेम्परेचर है बिफोर गेम प्ले। ओके गाइस, 2 GB रैम है इस फोन में, सीरियसली देखते गेम प्ले कैसा चलता है। एंड यहाँ पे बैटरी लेवल भी आपको दिखा दो, 67% है बैटरी लेवल बिफोर गेम प्ले। ओके एंड एक चीज़ तो दिखाना आपको भूल गया, इस फोन का बैटरी हेल्थ भी दिखा दूँ। बैटरी इस फोन का चेंज नहीं है इस आईफोन 7 का एंड इस आईफोन 7 का जो बैटरी हेल्थ है 83% है आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली बैटरी तो वीक तो होता ही आईफोन 7, 8 एंड आईफोन 6 एंड 6S का। तो गेम प्ले के बाद देखेंगे कितना बैटरी ड्रेन होता है एंड गेम प्ले को आप एंजॉय करो। इतने छोटे फोन में मैं पहली बार गेम परफॉर्म कर रहा हूँ, 4.7 इंच का डिस्प्ले है, बहुत ही छोटा है, तो थोड़ा सा गेम को जज मत करना आप, और चाहो तो कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी, कमेंट सेक्शन आपके लिए फुली ओपन है और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आईफोन 7 में BGMI में ग्राफिक को लेके कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेम ग्राफिक है, स्मूथ पे अल्ट्रा आपको देखने मिलेगा, बैलेंस पे भी अल्ट्रा एंड HD पे आपको हाई, HDR पे हाई, मीन्स यहाँ पे आपको सिर्फ 40 FPS का गेम प्ले देखने मिलेगा। BGMI में आप 60 FPS की गेमिंग नहीं कर सकते हो। आईफोन 7 में अगर आप जेल ब्रेक करते हो या कुछ दूसरा तिकड़म लगाते हो डेफिनेटली आप कर पाओगे, बट बाय डिफॉल्ट पब्लिक इसमें 40 FPS की गेमिंग कर सकती है। तो यहाँ पे एक TDM गेम प्ले आपके साथ शेयर करूंगा, मीन्स 2 गेम शेयर करूंगा क्योंकि पहला गेम बहुत छोटा है एंड 2 GB का रैम है। एंड यहाँ पे जायरो आप देखो कैसा चलता है इस आईफोन 7 में, सारा कुछ आपको दिख जाएगा एंड आप गेम प्ले को एंजॉय करो, वीडियो को लाइक भी कर दो गाइस।
ओके फाइनली जो यहाँ पे हमारा गेम है एंड हो गया, हमने यहाँ पे दो गेम परफॉर्म किया, मतलब ऑलमोस्ट 12 मिनट की गेमिंग हुई है इस आईफोन 7 में, 12 टू 13 मिनट की गेमिंग हुई है, फ़ोन बहुत ज़्यादा वार्म हो गया है। टेम्परेचर लेते हैं, सबसे पहले गेम को बंद करते हैं एंड आप देख सकते हो जो करंट टेम्परेचर है। मतलब ये थोड़ा ओवरहीट हो गया है फोन, मतलब घर में थोड़ा फैन वैन बंद था, रिकॉर्डिंग चालू था इस वजह से। एंड यूजुअली आईफोन बेसिकली हीट होता है, ये सब आईफोन, अगर मैं आईफोन 12 की बात करूँ, आईफोन 14 की बात करूँ, 13 की बात करूँ, XR की बात करूँ, 11 की बात करूँ, जितने आईफोन में मैंने गेमिंग परफॉर्म किया, आईफोन 8 की बात करूँ, सब फोन हीट होता है। एंड बैटरी आप देख सकते हो आफ्टर गेम प्ले 54% है, मतलब यहाँ पे टोटल 13% बैटरी ड्रेन हुआ है, 13% बैटरी ड्रेन हुआ है 12 मिनट के गेम प्ले पे, तो ये अच्छी बात है, बैटरी कम ड्रेन हो रहा है लेकिन ड्रेन तो हो रहा है। अगर आप एरेंगल गेम प्ले करोगे, क्लासिक गेम प्ले करोगे मींस, तो यहाँ पे बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ है। एंड परफॉर्मेंस तो ओके इस फोन का, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा एंड ख़राब भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत पुराना फ़ोन है एंड जिस तरीके से इसने परफॉर्म किया वेल बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस इस फोन का, बट गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं है मेरी तरफ से। बैटरी बहुत ही गंदा चलेगा, बहुत ही कम बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, बट फोन काफ़ी सही है नॉर्मल यूज़ के लिए। होपफुली गाइस आपको ये गेमिंग वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, कुछ आपका डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दो, बाय गाइस।